नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो, मुरारी लाल, उस पर जरा ठीक से नजर रखना। ओके, कल मिलो, बोला ना, बाय। ए, जरा इधर तो आना। क्या है? अरे यहाँ आओ तो। राखी, वहाँ क्या कर रही हो? जानते हो जी, वो जो आशा है ना, आशा, वो नंदू के सामने ही अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी। मेरी नजर तो अचानक ही चली गई उसकी तरफ। जानते हो, उसने अपनी जिप नंदू से ही बंद करवाई थी। हाय राम, छी, आशा को तो कोई लाज शर्म ही नहीं है। सही कहा ना मैंने? तुम्हें और कोई काम नहीं है? पड़ोसी पर नजर रखती हूँ, ये भी तो काम है। ए, आशा ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नहीं मालूम। मालूम है, बताओ ना। इसके लिए, समझी? ना समझी हो तो पूरी डिटेल में समझा दूं बीवी जी। बिल्कुल नहीं, मुझे नहा धोकर पूजा करनी है। ये प्रेम भी तो पूजा है, इसके बाद नहा लेना ठीक से। नंदू, जरा इधर आओ। क्या है? इसे पकड़ो तो। जरा ऊपर उठाओ ना। ये ड्रेस अच्छी लगती है ना? दीदी ने लेकर दी थी मुझे। बड़ी देर लगा दी तुमने, कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग तो वो कार खराब हो गई थी रास्ते में। खाना बाद में खाना, पहले ये खत पढ़ लो। खत में क्या लिखा था? एक प्रेम कहानी लिखी थी, सुनोगे? माय डियर मैडम जी, घर के काम से मैं उब गई हूँ। वो जो गोपी है ना, वो और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम दोनों एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं। बाय। प्यार जात पात और उम्र नहीं देखता, तुम भी ऐसा ही प्यार करना। क्या देख रहे हो? तुझको ही देख रहा हूँ। तू कौन है? उनका रेफरी है जो देखता रहता है? अरे ओ, तू ड्राइवर है सिर्फ, ड्राइवर, साला ड्राइवर, अपनी औकात मत भूल। इसका पागल खाने में जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी ही देर तो खेले हैं, एक और राउंड हो जाए। सॉरी मोनी, अब मूड नहीं है। Why? I'm very tired. कहीं कोई तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा है? <Don't be silly. laughs>
बाय बाय, कल जल्दी आना। ओके बाय। ये क्या, खेल बहुत जल्दी खत्म कर दिया? आज जी भरकर तुम्हें और तुम्हारा खेल देखने आया था। गोपी, कल्याणी को लेकर छू हो गया, अब सिर्फ मैं अकेला रह गया हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं आशा, बस छोटी सी बात समझनी है। ड्राइवर की जरूरत किसको है, अर्चना को या फिर तुमको? अर्चना को, सारे लोग कहते हैं। क्या बोल रहा था वो? तुम अपना काम करो। मैंने कितनी बार कहा है कि कार मत ले जाया करो। तुम कार के लिए बोल रही हो या नंदू के लिए बोल रही हो? आशा, कुछ दिनों से लगातार देख रही हूँ और सुन भी रही हूँ। नंदू से बात करो तो तुम्हें गुस्सा, हंसो तो तुम्हें गुस्सा, और उसे साथ ले जाओ तो तुम्हें गुस्सा। नंदू तुम्हारा ड्राइवर है या तुम्हारा प्रेमी? आशा, जानती थी मुझको जाना पड़ेगा। हॉस्टल से मैं खुद नहीं आई थी, तुम्हें मुझे जोर देकर लाई थी। आइंदा तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। आशा मत जाओ। आशा मत जाइए, मैडम जी गुस्से में कुछ बोल गई। सब लोग चले जाओ, मुझे छोड़कर कोई नहीं चाहिए। कल्याणी भी भाग गई, अब आशा भी गई। तुम भी जाना चाहते हो? आशा मेरे सारे रिश्ते नातों की आखिरी कड़ी थी। नंदू वो मेरी सौतेली माँ की बेटी थी, तो भी मैंने उसे सगी बहन ही माना। डैडी की मौत के बाद उस घर से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए, लेकिन आशा को मैं अपने से दूर न कर सकी। पर आज ये आखिरी रिश्ता भी टूट गया। आशा भी कम नहीं थी, वो नंदू के साथ मौज उड़ाती थी। जब अर्चना को पता लगा तो हो गई महाभारत, और होती भी क्यों नहीं। अर्चना ही तो लाई थी नंदू को और हाथ मार दिया आशा ने। ऐसा हुआ था? ऐसा तो होना ही था। अरे वो एक जग जाहिर कहावत है ना, एक मियान में दो तलवार कहीं रहती है। ओहो नहीं, सच बता रही हूँ तुम्हें। अर्चना का भी नंदू के साथ कुछ ना कुछ चक्कर जरूर है। चलती हूँ मैं। जब माँ ने मेरी शादी तुम्हारे साथ पक्की की थी, तब मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा था कि गांव की गंवारू लड़की से रिश्ता मत करो। आज लगता है कि वो सच ही बोले थे। बात है शहर की, यहाँ के लोगों की। मेरी फूफी एक बात सही कहती थी, शहर के मर्द से गांव की गर्द भली होती है। नंदू तुम्हें खाना नहीं खाना? कब तक कसरत करोगे? जाकर अब खाना खा लो। जी खाना। अच्छा ठीक है, मैं यही लेकर आती हूँ, ठीक है? नंदू, नंदू ट्यूब नहीं जल रहा है, जरा देखो तो।
होशियारी से। स्विच ऑफ कीजिए, अब ऑन कीजिए।